नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको ब्रेड के गुलाब जामुन की रेसिपी बताने वाली हूँ। आमतौर पे जब भी हम ब्रेड के गुलाब जामुन घर पे बनाते हैं तो जैसे हम तलते हैं तो वो फट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे कि जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे अगर आप बनाएंगे तो आपके ब्रेड के गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो आइए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। के लिए मैंने ये चार ब्रेड लिए हैं, ये बड़े साइज के ब्रेड हैं। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें मेरे ये साइड की जो किनारी होती है वो नहीं आई। अगर किनारी आपके साथ में आती है तो उसे निकाल दें, जो कि इस तरह की आती है। कुछ कुछ इस ब्रेड में भी आई है जो मैं निकाल दूंगी। और 1 कप चीनी लिए है और 1 गिलास से थोड़ा सा कम दूध लिया है। दूध उतना ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। और हल्की सी मलाई वाला दूध है ये, ज़्यादा मलाई भी नहीं लेनी हमें और ज़्यादा घी भी नहीं डालना। और कुछ मैंने इलायची ली है। तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं अगर आपको घी पसंद है तो, लेकिन घी लेते हैं तो बाद में जैसे जैसे हमारे गुलाब जामुन ठंडे होते हैं वैसे वैसे घी की एक परत बन जाती है, तो हमें गुलाब जामुन खाने में अच्छे नहीं लगते। लेकिन फिर भी अगर आपको घी पसंद है तो आप घी में भी गुलाब जामुन बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। तो मैं तो तेल में बनाती हूँ, तो मैंने ये तेल लिया है। आप जो भी खाते हैं लेकिन सरसों का तेल नहीं लें, रिफाइंड तेल ही लें। आपकी किनारी आती है तो उसे इस तरह हमें कटिंग करके निकाल देना है, ऐसे अलग कर देंगे लेंगे। और ब्रेड लेंगे, किनारी अटी होनी चाहिए, उसके बाद में इस तरह हम बारीक कर लेंगे। इस तरह बारीक कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में भी बारीक कर सकते हैं, लेकिन इतनी सॉफ्ट होती है ब्रेड कि मिक्सी से नहीं करें तो भी हाथ से भी इस तरह हम कर सकते हैं। और हल्का हल्का दूध डाल लेंगे, दूध एक साथ में नहीं डाल लेंगे। और इस तरह जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह हमें गूंथ लेना है, इस तरह से। इस तरह आटा गूंथ लिया है। आटा गूंथने में मैंने इतना गिलास दूध लिया था तो इतना ही गया है, इतना बच गया है। तो आप गूंथने के हिसाब से दूध डालें, ज़्यादा या कम नहीं करें। इतना सॉफ्ट भी नहीं गूंथना, ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंथना। जो नॉर्मल हम गूंथते हैं उतना ही हमें गूंथना है। इस तरह मैंने गूंथ लिया है। उसके बाद में हाथों पे तेल लगा लेंगे और इस तरह लेंगे, थैली पे ले लेंगे और इस तरह थोड़ा हाथ में लेके इस तरह थोड़ा दबा लेंगे। दबाने से क्या हो कि गुलाब जामुन फटेंगे नहीं। इस तरह जैसे हम लड्डू बनाते हैं तो लड्डू को दबाते हैं, उस तरह हमें दबा लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हथेली में लेके फिर इस तरह जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं उस तरह बना लेंगे, फिर ऐसे गोल घुमा देंगे। गोला बना लेना है, कोई लाइन नहीं रहनी चाहिए, फटना नहीं चाहिए। और रख देंगे तो इसी तरह आप तेल का इस तरह चिकनाई कर ले हाथ पे और फिर बनाएं, छोटा या बड़ा जैसे आपको साइज पसंद है। लेकिन इस तरह दबाना ज़रूरी है ताकि ये बिखरेगा नहीं। इस अच्छे से दबा लेना है, दबा के बनाना है, फिर हथेली में रखना है। फिर इस तरह से जैसे हम आटे की रोटियां बनाते हैं, लोई बनाते हैं, उस तरह से हमें ऐसे बना लेना है और फिर हथेली में गोल इस तरह घुमा देना है। अच्छे से गोलाई दे देनी है, कहीं से भी फटना नहीं चाहिए। बाकी भी इसी तरह बना लूँगी। आपको बनाते समय इस तरह दबाना ज़रूर है और हाथ पे तेल की चिकनाई ज़रूर लगानी है ताकि फटे नहीं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है और इस तरह दबाना ज़रूर है। और फिर जैसे हम लोई बनाते हैं
और फिर इस तरह घुमा देंगे। इस तरह नहीं घुमाया जाता तो आप उंगलियों से भी घुमा सकते हैं। थोड़े से इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आकार देना आ जाएगा, हाथ जम जाएगा। इस तरह उंगलियों से भी आप गोला बना सकते हैं, देखिए अच्छा बन जाएगा। इस तरह से मैंने सारे गोले बना लिए हैं और अभी इसको मैं आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी ताकि हमारे गुलाब जामुन अच्छे बने और फटे नहीं। एक पतीला लेंगे, उसमें चीनी डाल देंगे। अभी पानी डाल लेंगे, इसमें मैंने एक कप चीनी ली है तो ये मैं दो कप पानी डालूंगी, एक और ये दो। अभी मैंने गैस चालू कर दी है, फुल कर दिया है मैंने, और इस तरह मिलाएंगे चीनी को, अच्छे से घुल जानी चाहिए। चीनी अच्छे से घुल गई है। चीनी घुलने के बाद में 5 से 6 मिनट ही पकाएंगे, उसके बाद हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। इसमें नींबू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तेल में गुलाब जामुन बनाने हैं, इसलिए इसमें मैंने नींबू नहीं डाला। अगर आप घी में गुलाब जामुन बना रहे हैं तो चाशनी में आप नींबू ज़रूर डाल लें, इससे आपकी चाशनी बिगड़ेगी नहीं। नहीं तो जैसे ही आप गुलाब जामुन डालेंगे चाशनी में तो वो चीनी बन जाएगी, अगर आप नींबू नहीं डालेंगे तो। अगर आप गुलाब जामुन घी में तलते हैं तो डालना है नींबू, अगर तेल में तलते हैं तो नींबू नहीं डालना। अच्छे से घुमाते जाएंगे। गुलाब जामुन बनाते समय भी मैंने घी नहीं डाला, हाथों पे भी मैंने तेल ही लगाया था, घी नहीं लगाया, इसलिए आप ध्यान रखें अगर घी का प्रयोग कर रहे हैं तो नींबू ज़रूर डालना है। अच्छे से घुमाते जाएंगे। ये जो मैंने इलायची ली थी उसके दाने निकाल लिए हैं, वो चाशन में डाल रही हूँ। इलायची को मैंने गुलाब जामुन में नहीं भरा, ना ही किशमिश भरी, क्योंकि गुलाब जामुन अपने आप में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि अंदर भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बाज़ार से भी लाते हैं तो आमतौर पर अंदर कुछ भी नहीं होता, फिर भी आपको अगर पसंद हो तो आप अंदर भर सकते हैं, लेकिन भरने की कोई ज़रूरत नहीं अंदर। इस तरह हमें घुमाते जाना है चाशनी को। 5 मिनट हो गए, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। चीनी घुलने के बाद में मैंने 5 मिनट पकाए हैं, गैस बंद कर देंगे और इस तरह हमारी चाशनी तैयार है। आधा घंटा हो गया, आधा घंटे के बाद में देखिए सेट हो गए हैं, अभी हम इन्हें तलेंगे। आधा घंटा रखना ज़रूरी है गोले बनाने के बाद में, क्योंकि अगर हम नहीं रखते तो गोले फट जाते हैं, इसलिए गोले बनाने के बाद में आधा घंटा ज़रूर रखें, इससे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इसके बाद में मैंने गैस चालू कर दिया, फुल किया है मैंने, और तेल डाल दिया है कढ़ाई में। तेल भी हमें कम नहीं लेना क्योंकि पूरे गुलाब जामुन हमारे डूबने चाहिए, इतना तेल हमें लेना है। तेल हमारा गर्म हो गया, इसे चेक कर सकते हैं। गर्म होने के बाद में गैस को हम कम कर देंगे मीडियम की तरफ, बिल्कुल बीच का कर देंगे, नहीं बिल्कुल कम करेंगे, नहीं फिर बिल्कुल ज़्यादा करेंगे, इस तरह बीच का कर लेंगे। अभी गुलाब जामुन डालेंगे, एक साथ में ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि प्रैक्टिस अगर बार बार बनाएंगे तो भी हमें अनुभव होता है, उस हिसाब से बनानी चाहिए। अगर शुरुआत में आप पहली बार बना रहे हैं तो एक साथ में ज़्यादा नहीं डालें, एक या दो या तीन से ज़्यादा नहीं डालें, धीरे धीरे इस तरह घुमाते जाए, हल्के आसे घुमाना है ताकि टूटे भी नहीं। धीरे धीरे घुमाएंगे, चारों ओर से सिक जाए। गैस मैंने मीडियम कर दिया है तो आप तेज गर्म करने के बाद ही गैस कम करें, इस तरह से आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अच्छे से घुमाएंगे धीरे धीरे, जैसा आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आपको सेक लेना है। देखिए बिल्कुल भी नहीं बिखरे हैं,
देख सकते हैं आप, अभी और सेकना है, मैं थोड़ा गहरे ही सेकती हूँ। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तल लिए मैंने। और जो हमने चाशनी बनाई थी वो भी मैंने ठंडी कर ली है, चेक करके पता लगा सकते हैं, गर्म नहीं करनी है। और इसमें सीधे ही गुलाब जामुन डाल देंगे। वापस गोला डालने से पहले गैस को फुल कर देंगे और गर्म होने के बाद में वापस कम कर देना है, फिर गोले डालेंगे तो गोले नहीं फटेंगे। हो गए हैं तो आप ध्यान रखना है, हर बार ऐसे गर्म करके फिर वापस आपको कम कर देना है, जैसे मैंने किया है, फिर गोले डालेंगे। धीरे धीरे आराम से डालेंगे, ध्यान से, ताकि आते नहीं चले, और एक साथ में ज़्यादा गोले नहीं डालेंगे। धीरे धीरे से हिलाएंगे ताकि चारों ओर से अच्छे से पके, क्योंकि शुरुआत में अगर कोई बनाता है पहली पहली बार तो उसके फट जाते हैं। तो आप ध्यान से अगर वीडियो देख के बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन, अगर आप ब्रेड के बनाते हैं तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और देखने में पता नहीं चलता है कि गुलाब जामुन किस चीज़ के हैं, खाने में भी अच्छे होते हैं ये। इस तरह धीरे धीरे हमें घुमाते जाना है। तलते समय हमें गैस को मीडियम रखना है, ये जरूर ध्यान रखें आप। इस तरह मैंने तल लिए हैं, तो आप इस तरह भी तल सकते हैं जारे पे लेके, इस तरह थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो इस तरह भी अच्छे से सिक जाते हैं चारों तरफ से, लेकिन धीरे धीरे आराम से, तेल ऊपर नहीं आना चाहिए। निकाल लेंगे, चाशनी में सीधे ही डालेंगे और इस तरह पतीले को घुमा देंगे ताकि चाशनी चारों ओर से ले ले। चाशनी में डाल दिए हैं मैंने, चाशनी को दोबारा गर्म नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर वापस आप डाल के गर्म करते हैं, उबाला दिलाते हैं, तब भी आपके गुलाब जामुन बिल्कुल फट जाएंगे, तो आपके गुलाब बिल्कुल बिखर जाएंगे। इसलिए आप ठंडी चाशनी में डालें और बाद में दोबारा गर्म नहीं करें, और इसको इस तरह घुमा दें, और आप इस तरह करके आप घंटे भर के लिए रख देंगे तो आपके गुलाब जामुन एकदम रेडी हो जाएंगे। मैंने इस तरह दूसरे बर्तन में निकाल लिए हैं ताकि अच्छे से डूब जाए और अच्छे से चाशनी ले ले। इस तरह से हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद।